अगर आपको देश की राजधानी में न्याय नहीं मिल सकता तो भूल जाओ कि देश के दूर दराज लोगों में क्या न्याय मिलेगा। संगठन में वो ताकत है। अगर हम महमूद प्राचा और भानु प्रताप भाई के साथ मिलकर हमने जंग लड़ी डीसी कपिल के साथ में, तो कोई भी दुनिया की हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे भाई और मजदूरों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, अकेले होकर इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। अरे छिपकली का बच्चा अगर जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं, और अब भूकंप आ चुका है, दलाल नेताओं के कान खड़े हैं। तो हम ये बात बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हम दिल्ली की सरकार को बदल देंगे, निगम में लोगों को बदल देंगे। मेरे भाइयों विश्वास रखो, विश्वास रखो, हमने नदी पार कर ली, हम किनारे पर खड़े हैं। 2024 में आपने मोदी की सरकार को हराना है, केजरीवाल को हराना है और अपने समाज का भला करना है। हमें मुफ्त का बिजली नहीं चाहिए, हमें स्थायी काम चाहिए, हमें सरकारी नौकरी परमानेंट चाहिए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर को दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। नंबर एक पंचायती राज से, नंबर दो ठेकेदारी प्रथा का वो समूल नाश करना चाहते थे। जो सरकार केंद्र की सरकार या दिल्ली की सरकार जो प्राइवेट सन लाना चाहती है वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। केजरीवाल साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना भला स्वयं करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय डीसी कपिल साहब से एक विनती करूंगा कि जो आपके कार्यों से प्रेरित होकर ऊर्जावान होकर इस देश के नागरिक, इस देश के लोग आपका अनुगमन कर रहे हैं, उनके लिए बड़े से बड़े हॉल का अगली बार इंतजाम किया जाए, ये जगह बहुत कम है। मैं सामाजिक, जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं डीसी कपिल साहब, भानु प्रताप सिंह एडवोकेट साहब, महमूद प्राचा साहब और मैं राजकुमार धीरान साहब से कहूँगा कि मैं एक खास बात आपसे, मैं 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। भाइयों एक बात बताइए कि इस गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट को किसने बनाया है? केजरीवाल की सरकार को किसने बनाया? सिर्फ आपने बनाया है। जब आप खुद जहर खाते हो तो किसी वैद्य या डॉक्टर से उसको क्यों आप ऐसी बात कहते हो कि वो मुझे बचा ले? और जो नेता को भगवान नहीं हरा सकता उसे आप हरा सकते हैं। आपका आंदोलन महात्मा गांधी के नमक के आंदोलन से महान है, क्योंकि मनुष्य बिना नमक के जीवित रह सकता है, लेकिन हम बिना धन के, बिना शिक्षा के जीवित नहीं रह सकते। अगर आपको देश की राजधानी में न्याय नहीं मिल सकता तो भूल जाओ कि देश के दूर दराज लोगों में क्या न्याय मिलेगा। मेरे भाइयों मैं आपको हार का सिर्फ एक कारण बताऊंगा, और वो कारण ये है कि चर्चिल एक बार भाषण देने के लिए जा रहे थे और भाषण देने में कुछ टाइम कम था, तो उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे आप उस जगह पर छोड़ दें जैसे आकाशवाणी जगह है। तो उसने, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मुझे आप माफ़ करिए, चर्चिल की स्पीच शुरू होने वाली है, मैं आपको वहाँ नहीं छोड़ सकता। तो चर्चिल बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ कि लोग मेरे इतने अंधे वक्त हैं कि मुझसे पहले से ही भाषण सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाइयों जब चर्चिल ने कहा कि मैं आपको $5 की जगह $100 देने के लिए तैयार हूँ, तो उसने कहा, चर्चिल की ऐसी की तैसी, आप बैठो पीछे टैक्सी में लाओ $100 दे। जब आप अपने वजूद से गिर जाते हो, जब आप अपनी वोट का दुरुपयोग करते हो, तो वही लोग जो आपको मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी देकर इस राजधानी में सत्ता जमाए हुए हैं, हमें मुफ्त का बिजली नहीं चाहिए, हमें स्थायी काम चाहिए, हमें सरकारी नौकरी परमानेंट चाहिए। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर को दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। नंबर एक पंचायती राज से, नंबर दो ठेकेदारी प्रथा का वो समूल नाश करना चाहते थे।
जो सरकार केंद्र की सरकार या दिल्ली की सरकार जो प्राइवेट सन लाना चाहती है वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। केजरीवाल साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना भला स्वयं करना पड़ेगा। मजदूर वह व्यक्ति है जो मजबूर है, मजदूर वह व्यक्ति है जो मजे से दूर है। मेरे भाइयों, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है, लाख बार की गुलामी से बगावत बेहतर है। जो मेहनत डीसी कपिल साहब ने और उनकी टीम ने आज की है, तो हम ये बात बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हम दिल्ली की सरकार को बदल देंगे, निकम्मे लोगों को बदल देंगे। मेरे भाइयों, विश्वास रखो, हमने नदी पार कर ली, हम किनारे पर खड़े हैं। 2024 में आपने मोदी की सरकार को हराना है, केजरीवाल को हराना है और अपने समाज का भला करना है। मैं कहूँगा दिल्ली NCR के जितने भी मजदूर हैं, उन्हें जो 27 सितंबर का टाइम दिया है, उन्होंने उसमें पूरी तरह से सरकार की चूल्हे हिला देनी है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें परास्त नहीं कर सकती। हमें आप ये समझ लें कि ये संगठन आपकी वैसे ही मदद करेगा जैसे शरीर की जो त्वचा है इसकी ने आपके शरीर की रक्षा करती है। और जहाँ किसी भाई का मजदूर का पसीना गिरेगा, हम खून बहा देंगे अपना। और अफगानिस्तान के पंसीर के शेरों की तरह मेरे भाइयों, खून के आखिरी कतरे तक हमको जंग लड़नी है। ये जंग पैसे के लिए नहीं है, ये स्वाभिमान के लिए है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे पैरामाउंट वेलफेयर चतुर्मुखी विकास के लिए है। भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक शायर की एक शेर है, अरे न तड़फन की अर्जी है जो BJP की गवर्नमेंट और आप पार्टी की गवर्नमेंट हम पर जुल्म, शितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण कर रही है, उस गवर्नमेंट देखिए ना। एक शायर ने कहा है, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे शहीद की। मेरे भाइयों, जिस प्रकार मछली पानी में पानी पीते हुए नजर नहीं आती, वैसे ही आज मजदूरों का जो शोषण देश की राजधानी में हो रहा है वो लोगों को नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं, और अब भूकंप आ चुका है, दलाल नेताओं के कान खड़े हैं। और भाइयों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, संगठन में वो ताकत है, अगर हम महमूद प्राचा और भानु प्रताप भाई के साथ मिलकर हमने जंग लड़ी DC कपिल के साथ में, तो कोई भी दुनिया की हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मजदूरों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, अकेले होकर इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। अरे छिपकली का बच्चा अगर जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता है। आप अपनी ताकत को पहचानो। जो मजदूर बिना सहयोग के इस देश में सामाजिक क्रांति करना चाहता है, अरे वो बजरले मूर्ख पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहता है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं गालिब के एक शेर कहूँगा, ए गालिब एक भूल मैं जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर मैं आईने को साफ करता रहा। थैंक यू, जय भीम, नमो उद्धव, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।